हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में, जो कि बहुत ही आम समस्या होती है। मोस्टली लोगों को पिगमेंटेशन की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। कहने को तो इसका इलाज जो है बहुत इजी भी है तो बहुत टफ भी है। डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल से कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी पिगमेंटेशन दूर कर सकते हो। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स के पास जाने की वजह से भी हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है। जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक ही ठीक हो पाती है, उसके बाद में जैसे ही हम दवाई लेना छोड़ते हैं हमारे पिगमेंटेशन चेहरे पर फिर से आ जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिगमेंटेशन, पिंपल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे परेशान हैं। तो मैं आपके लिए पिगमेंटेशन के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसकी सहायता से आप अपने पिगमेंटेशन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बताया। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी पिगमेंटेशन के बारे में। तो पिगमेंटेशन एक बहुत ही आम समस्या है जो मोस्टली लोगों को परेशान करती है। तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही आसान सी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है ग्रीन टी के। ग्रीन टी की मदद से आप अपने पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। अब पिगमेंटेशन को ग्रीन टी बताने वाले लोग तो बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन को ग्रीन टी का कैसे क्या कनेक्शन है कि कैसे पिगमेंटेशन ग्रीन टी यूज़ करके हम हमारे पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी क्या करती है, हमारे जो पिगमेंटेशन बढ़ाने वाले स्किन सेल्स होते हैं उसको ब्लॉक करती है, जिसके कारण हमारी जो पिगमेंटेशन है वो धीरे 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 रिमूव होने लगती है। और इसी के साथ साथ अगर पिगमेंटेशन की बात की जाए तो पिगमेंटेशन के तीन ही मुख्य कारण होते हैं। पहला ये कि आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, दूसरा ये कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तीसरा ये कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना टेंशन लेते हो किसी चीज़ की। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें पिगमेंटेशन हो सकती है, लेकिन इसका तोड़ भी है। आप पिगमेंटेशन को सही भी कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आपको करना क्या है, ग्रीन टी लेना है, एक कप के अंदर आपको क्या करना है, पानी भर लेना है, उस पानी को गर्म करना है, उसमें ग्रीन टी डालना है, फिर उसको ठंडा होने तक वेट करना है, फिर छान लेना है। फिर उसके अंदर आपको जो मिक्स करना है वो है आपको विटामिन ई का कैप्सूल एंड आपको शहद, तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करो, अपने फेस पे अप्लाई करो। कम से कम ये आपको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे लगा के रखना है। उसके बाद में सूख जाने के बाद में आपको वॉश कर लेना है। ये आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसको कम से कम भी 1 महीने तक यूज़ करेंगे तो आपको पिगमेंटेशन से निजात जरूर जरूर मिलेगा। और दूसरा आप ये कर सकते हो, जो लोग जिन लोगों को विटामिन ई का, शहद का यूज़ अगर फेस पे सही है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको वही ग्रीन टी लेना है, एक कप में ग्रीन टी डाल के गर्म करना है, फिर उसको ठंडा होने के लिए उतार लेना है, फिर उसको छान के उसके अंदर आपको विटामिन ई एंड एलोवेरा जेल ले सकते हो या फ्रेश एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हो। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आपको वही फेस पे अप्लाई करना है, 10 से 15 मिनट तक आपको रखना है। उसके बाद आप ठंडे या नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश करके, और आप देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफ स्टाइल से आप अपने पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। मैटर करता है ये कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको विटामिन सी वाले आपको फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कुछ भी एप्पल खा सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स खाएं, ऐसे जूस पिएं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, है ना। बीटरूट खा सकते हैं। एंड हाँ, एक्सरसाइज करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, कम से कम भी 30 मिनट आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो, पिगमेंटेशन अपने आप ही दूर हो जाएगी। अगर आप फेस पे लगाते रहेंगे तो उससे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप फॉलो करें। और हाँ, अगर आपको कुछ भी पूछना हो जैसे पिगमेंटेशन से संबंधित कि इसको कैसे दूर करें और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।